विद अनदर ब्लॉग। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार गवर्नमेंट ने जो है सोनपुर मेला को बैन कर दिया, अलाउ नहीं किया, बट फिर भी जैसा कि हम लोग को मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि कहीं ना कहीं पे सोनपुर मेला लगा हुआ है। तो कंफर्म मैं अभी नहीं हूँ, पर वहाँ पे चलते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ के सोनपुर मेला को कवर करेंगे। एंड मैं अभी जो पटना वाला एनएच है वहाँ के पेट्रोल पंप के पास में भी खड़ी हूँ। हम लोग अभी पेट्रोल लेंगे एंड देन जाएंगे। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, हम लोग अपने KTM से जा रहे हैं एंड अभी कुछ दिन के बाद ना अभी और ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं एंड थोड़ा बहुत हमने कस्टमाइज किया, अभी बहुत भी काम बाकी है और इसका मैं व्यू दिखाती हूँ। एंड चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This is the future. तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सोनपुर और बस कुछ दूर की दूरी पे हम लोग हैं। काफी ज्यादा ट्रैफिक है आज के दिन, इतना ज्यादा मतलब हर एक जगह पे हाजीपुर से ये जो जाम स्टार्ट हुआ है ना, खत्म ही नहीं हो रहा। आगे पीछे कहीं भी देख लीजिए जाम ही जाम है और हम स्पॉट पे पहुंचते हैं और तब बात करते हैं। हम लोग सुनते आ रहे हैं सोनपुर मेला, सोनपुर मेला, सोनपुर मेला कहाँ है भाई। तो आ तो गए हम लोग और जैसा मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट ने इस बार कुछ ऐसा परमिशन नहीं दिया था तो यहाँ पे कुछ खास वैसा मेला लगा नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो भी लगा है वो कवर करूँगी। और एक इन्फॉर्म मुझे पहले ही मैं बता देती हूँ कि ये जो मेला अभी जो चीज़ मैं कवर करूँगी ना वो 2 महीने रहेंगे, तो वो आप अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी आ सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो पूरे कपड़े का मेला है, यहाँ पे जो है ना वुलन क्लॉथ्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें जो है हम लोग जाके कवर करते हैं। मेले में दिक्कतें आ रही हैं या फिर जो इनका व्यापार है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो कैसे फेस कर रहे हैं, तो अंकल आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी बहुत हम लोग आपके नुकसान उठा रहे हैं। पहली बात तो एक तो माल इतना महंगा हो गया है, ये इतना समझ लो कि हमारे यहाँ पे सिर्फ खाने मिल रहा है, बच्चे सिर्फ पल रहे किसी तरीके से, मगर इस मेले में अब वो दम नहीं है और ऐसे रहा तो ये मेला समाप्त हो जाएगा, हम लोग नहीं आएंगे। स्थिति बहुत खराब चल रही है, हम यूपी बरेली से आए। अच्छा, तो स्थिति बहुत खराब चल रही है इस वक्त। एक तो पब्लिक आ रही है, कोरोना है नहीं तो करोगे तो परमिशन देना चाहिए ना, ताकि पब्लिक परेशान ना हो, हम दुकानदार परेशान ना हो। तो ये हमारी अनुरोध है आप लोगों से, आप विनती करिए आप चैनल। जी।
दीजिए, आप ही बता दीजिए। मेरा तो हम पहली बार आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, नेपाल से। कहाँ से आए हैं? नेपाल से। सुनिए गाइस, नेपाल से जानकी मंदिर जहाँ पे है। सुना था कि नामी मेला है यहाँ का, सोनपुर का, तो हम आए हैं। कुछ तुम है आज ही, तो आप लोग भी थोड़ा बता दीजिए कि आप मेला कैसा लगा। हम लोग नेपाल से आए हैं, जनकपुर धाम। अच्छा, यहाँ मेला कुछ नहीं है, हम लोग बहुत 16 साल से मेला आ रहा है यहाँ। बहुत बड़ा मेला था, हाथी का बाजार था, कुत्ता का था, जानवर का। 4 साल पहले कुत्ता जानवर का हटा दिया यहाँ के मार्केट, है ना। सब कुछ यहाँ बर्बाद हो रहा है, कोई देखने का। एशिया देश का फर्स्ट मेला है ये, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। बेकार हो गया है सब मेला, व्यापार को सबको घाटा लगता है, घूमने वाला का मन नहीं लगता है। कहता है एशिया का फर्स्ट मेला जाते हैं यहाँ कुछ लेंगे यहाँ, लेकिन कुछ नहीं है, पूरे बर्बाद हो गया यहाँ, कुछ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, अभी मैं जिस साइड में थी उसके जस्ट अपोजिट आप देखिएगा तो यहाँ पे पूरी क्रॉकरी आइटम्स का भी लग चुका है, और अभी काफी सारे स्टॉल जो है लगने बाकी है, उसकी तैयारी अभी चल ही रही है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोले, उतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो भी है आप लोग के सामने है दिख ही रहा है। यहाँ पे देखेंगे गाइस, ये जो स्टॉल है पूरा वुलन क्लॉथ का जो है स्टॉल है यहाँ पे। और कुछ आंटी लोग, आप लोग मेला ही घूमने आए हैं तो यहाँ पे वो लोग कपड़े ले रहे हैं, तो ये सब दिखाया जा रहा है, काफी प्यारे प्यारे डिजाइन में है। क्या है भैया इनका स्टार्टिंग रेंज? 750 से इसका स्टार्टिंग रेंज है। और ऐसे बहुत सारे जो है आप देखेंगे, कुर्ती हो गए और ऐसा स्टॉल हो गया, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी स्टॉल पे। देखेंगे स्टॉल है, वो स्टॉल का जो बहुत फेमस होता है, क्या रेट होगा भैया इसका? 550। शुरुआती आपका 550 है, और कितना तक जाता है आपका रेंज ये सब स्टॉल का, मतलब अच्छा क्वालिटी में? और अच्छा क्वालिटी 1000 से 1200 ऐसे। अच्छा अच्छा गाइस, 550 से लेके 1000-1200 तक का आपको मिल जाएगा। ओस्वाल्ड ब्रांड मुझे पता है, मैंने बचपन से सुना है ओस्वाल्ड ब्रांड के जो स्टॉल होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे कुछ अभी विंटर्स का टाइम आ चुका है, ब्लैंकेट्स आप लोगों को लेने हो तो वो सब ये मिल रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि स्टॉल तो अभी लगना शुरू ही हुआ है, तो यहाँ पे अभी पूरा बोलते हैं पूरा अभी जो आइटम्स है आए भी नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे भैया जो है एक ब्लैंकेट निकाल रहे हैं, क्या रेंज है भैया? 1500 का है, सिंगल वाला है ना ये? डबल बेड का है। तो देखिए डबल बेड का है और काफी फ्लफी एंड सॉफ्ट है, और 1500 का रेंज पे है ये। और इस पर हमें आपको सिंगल बेड की भी मिल जाएगी। सिंगल का क्या होगा रेंज? 1000 से शुरू है सिंगल का, और ये डबल बेड का जो है 1500 का है। काफी अच्छे अच्छे और अभी बहुत सारा निकलना बाकी। और वो सब क्या स्वेटर का भी होता है? स्वेटर सबका क्या है? 300-400। 300-400 से मतलब जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आपको रेंज में मिल जाएगा। मेला एक ऐतिहासिक मेला है और इस बार इस नहीं लग रहा है, बहुत दुखद है। कोरोना काल के कारण नहीं लगाया जा रहा है, पर सारे मेले पूरे देश में लगाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी प्रगति मैदान में चल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं? इसलिए मेला लगना चाहिए था, इससे लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसको लगवाए। धन्यवाद। सो गाइस, जैसा कि सही इनका कहना बहुत सही है कि पूरे इंडिया में हर जगह मेला लग रहा है, सब कुछ मेला लग रहा है, पर ये सबसे बड़ा मेला और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, पूरे साल इंतजार करते हैं इस
मेले के लिए, पर यही साल जो ये मेला नहीं लगा है और इस वजह से लोग बहुत नाखुश है। मतलब हम लोग भी डिसअपॉइंट होके ही जा रहे हैं, पर चलिए जितना कुछ मेरे कवर करना था वो तो कवर किया ही। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना।